मकर राशि वालों नमस्कार। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें 50 किलो लड्डू का ऑर्डर दे दो। अब घर घर जाकर आपको मिठाई बांटना पड़ेगा। खुशखबरी सुनकर चक्कर आ जाएगा। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आप सब लोग मालामाल होने वाले हो दोस्तों। और हमारा यह भविष्यवाणी 101% सत्य होकर रहेगा। यदि भविष्यवाणी गलत हुआ तो मैं पूरे 50 लाख का जुर्माना दूंगा। लेकिन इसके लिए बस आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। हमारा सिर्फ इतना सा शर्त है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और इनमें हम जो बात आप सभी को बताने वाले हैं उन सभी बातों को समझकर अपने जीवन में उपयोग कीजिएगा। और गारंटी के साथ हम कहते हैं कि आप सभी के जीवन में यह घटना हर हाल में होकर रहेगा। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर बाबा बागेश्वर धाम की ओर से बहुत बड़े ऐलान हो चुका है और हमारा यह भविष्यवाणी पत्थर का लकीर है। इस दुनिया की कोई भी ताकत झूठ ला नहीं सकता है। अगले 3 दिन में आप मालामाल हो जाओगे। बस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वह सभी वीडियो को सर्वप्रथम एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा। माता रानी का सीधा आशीर्वाद आपके और आपके परिवार को मिलेगा। बता दें कि अब आप सभी के जीवन में ईश्वर का एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां से आप सभी का जिंदगी ही बदलने वाला है। आपको अब बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि आप सभी के जीवन में क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों जब अंत में आप देखेंगे तो आप सभी का जीवन बिल्कुल ही स्वर्ग जैसा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, भगवान ने आप सभी की ओर इशारा कर दिया है। अब भगवान आप सभी के ऊपर अपना नजर घुमा चुके हैं। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आप अपनी आंखों से देखोगे दोस्तों कि आप सभी का जीवन कैसे बदलेगा। लेकिन दोस्तों भगवान की खेल को कोई समझ नहीं सकता है। भगवान कब क्या कर दे उसका था और पता नहीं रहता है, क्योंकि भगवान ने व्यक्ति के कर्म को देखकर उसे फल देते हैं। यदि किसी इंसान को पहले ही पता चल जाए कि उसके जीवन में यह होने वाला है तो वह इंसान संभल जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तुम्हें उचित समय पर अवश्य ही प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, और जब वह उचित समय आता है तब इंसान कुछ नहीं कर पाता है, वह समय भगवान करते, इंसान सिर्फ देखते हैं। और अब आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। भगवान शनि देव जो कर्म के देवता हैं, जो व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उन्हें फल देते हैं, और धन की देवी माता लक्ष्मी जिनके कारण इस कलयुग के सभी के घर में 2 वक्त की रोटी आती है। दोस्तों यह दोनों देवता अब आप सभी के ऊपर मेहरबान हो चुके। दोस्तों यह दोनों देवता मेहरबान होने का यह मतलब है कि आप सभी के जीवन में अब अच्छा होने वाला है। अब आपका वह समय आ गया है जब आपके कर्मों का फल आप सभी को प्राप्त होने वाला है। और ऐसे में आपको अपने जीवन में कुछ बातों का ध्यान अवश्य ही रखते होंगे दोस्तों, क्योंकि अपने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं और जब फल पाने की बारी आई है तब आप कोई गलती जाने अनजाने मत कीजिएगा और आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। यहां से मैं आपको कौन से कार्य करना है कौन से कार्य नहीं करना है, आपके जीवन में माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव कौन कौन से बड़े बदलाव करेंगे, कौन कौन से बड़े चमत्कार करेंगे, आप सभी के लव लाइफ में क्या क्या सुधार होने वाला है, आपका पारिवारिक जीवन में क्या क्या बदलाव होने वाले, करियर और बिजनेस व्यापार का क्षेत्र आपका कैसा रहेगा, नौकरी शिक्षा के क्षेत्र में आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलेगी, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, जब भी ईश्वर हमारे ऊपर मेहरबान होते हैं तो हमारे अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को देखते हैं, और फिर दोनों को देखने के बाद यदि अच्छे कर्मों का घड़ा ज्यादा भरा हुआ रहता है तब हमें अच्छा फल मिलता है, और बुरे कर्मों का फल ज्यादा होता है तो हमें बुरा फल मिलता है। यानी कि भगवान हर एक चीज पर अपना नजर रखते हैं। तो यह समय भी आपको प्रत्येक क्षेत्र में लाभ और खुशखबरी देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपके कर्मों का घड़ा एक क्षेत्र से नहीं बहुत क्षेत्र से बड़ा है। कहीं आपने किसी का मदद किया है तो कहीं किसी का सहारा भी आप बने, कहीं पर आपने किसी से धोखे भी खाए हैं तो कहीं पर आपका कार्य नहीं बना है, कहीं पर आप दूसरे के चलते अपने कार्य को छोड़ दिए, कहीं पर आप सभी के जीवन में ऐसा भी हुआ है
जिससे आप सभी के पारिवारिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से बहुत ज्यादा नोकझ और परेशानी हुई है। आपका पार्टनर किसी और की बात में आकर आपको भला बुरा बोले हैं। इसीलिए दोस्तों, अब आप सभी के जीवन में भगवान सभी का हिसाब करने वाले हैं और हर एक क्षेत्र में आपको खुशखबरी देने वाले। तो दोस्तों, वह कौन कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली और इसके लिए आपको कौन कौन से कार्य करने होंगे और कौन कौन से उपाय करने होंगे, सभी बात आगे इस वीडियो में हम आप सभी को पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि यदि यह मौका आपके हाथ से एक बार चला गया तो दोबारा यह मौका आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, भगवान एक बार यदि किसी के जीवन से नाराज होकर चले जाते हैं तो तब तक नहीं आते हैं जब तक उसे उसे कम का फल नहीं मिल जाता, यानी कि उसे पछतावा जब तक नहीं होता तब तक भगवान दोबारा उसके जीवन में नहीं आते हैं। इसीलिए दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिन का समय आप सभी के लिए कोई मामूली समय नहीं है। यह समय ग्रह गोचर बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। आप सभी के कुंडली में कार्य सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, भाग्यवान योग, महालक्ष्मी योग और 2 धन योग और 4 बड़े राजयोग का निर्माण हुआ है, जो 317 साल के बाद ऐसा कुंडली में महासंयोजन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं क्या समय आप सभी के लिए कितना भाग्यशाली साबित होगा। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान जब भी आप सभी के जीवन में मेहरबान होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो आपसे कुछ उम्मीद जरूर करते। जो आप पिछले समय गलती करते हैं वह गलत ही आगे चलकर आप ना करें, भगवान यह आपसे अवश्य ही चाहते हैं। क्योंकि भगवान आप सभी के लिए हमेशा वहां सोचते हैं जो आप कभी कल्पना में भी नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में घर, गाड़ी, बंगले और रुपए पैसे तक ही सोचते होंगे, लेकिन भगवान जब भी आप सभी के जीवन में सोचते हैं, माता लक्ष्मी, भगवान शनिदेव जब भी आप सभी के जीवन के बारे में सोचते हैं, वह आपसे कई गुना ज्यादा सोचते। भले ही आपको वर्तमान समय में लगे कि भगवान हमारे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, ऐसा हमारे साथ भगवान को नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब भी आप सभी के जीवन में लगे कि बुरा हो रहा है, तब आपको एक बात अपने ध्यान में रखना है कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। बस आप इस मंत्र को अपने जीवन में रटते रहना और आप देखेंगे आगे चलकर आप खुशी से नाचने लग जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जब आपको जीवन में कष्ट मिली तो समझ लेना भगवान आप सभी के जीवन में बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। जिस प्रकार किसी भी मूर्ति पर हथौड़े चलते हैं, मूर्ति के छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकलने लगते हैं, वह पत्थर धीरे धीरे टूटने लगता है। इसी प्रकार हम इंसान भी होते हैं। हमारे भी जीवन में अगर थोड़ा सा कोई कष्ट दे दे, कोई भला और बुरा कह दे, तो हमारे भावनाओं को बहुत बुरा लगता है और हम नाराज होने लगते हैं। लेकिन हमें वह समय नाराज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हर एक कार्य में ईश्वर का कोई ना कोई रहस्य, कोई ना कोई खेल छुपा होता है दोस्तों। और जब वह पत्थर में हथौड़ा चलाना बंद कर देता है, यानी हथौड़े का काम जब खत्म हो जाता है, तब वह पत्थर एक बड़ी कीमती वस्तु बन जाती है, जिसके लिए लोग कई बार लाइन भी लगते हैं, पैसे देकर उसे खरीदने आते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आप सभी के जीवन में भगवान अभी दुख और दर्द दे रहा है, तो आपको समझ लेना है कि वह समय दूर नहीं है जब आप सभी के जीवन की सभी परेशानी खत्म हो जाएंगे और लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपकी भावनाओं की कदर करेंगे। बस आपको उसे समय यह कहना है कि भगवान जो भी कर रहे हैं और जो भी करेंगे वह अच्छे के लिए ही करेंगे। जी हां दोस्तों, यदि आपको यह बात अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसके लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी की कुंडली में इतने अच्छे अच्छे योग का निर्माण हुआ है और धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव आप सभी के जीवन में मेहरबान है। तो आप सभी को अपने जीवन में कौन सी ऐसी गलती नहीं करना है जो अपने पिछले समय किया है और उन्हीं की वजह से आपको परेशानी भी हुआ था और अब आपको वह गलती नहीं करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले गलती है, भगवान शनिदेव कहते हैं कि किसी के भी ऊपर आप आंख मूंद करके भरोसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप दिल के इतने भोले इंसान होते हैं कि आपकी राशि के सभी लोगों को आपके नजदीकी के लोग बहुत ज्यादा ठगने का कार्य करते।
दोस्तों, सुनने में आपको बहुत ही बुरा लगता होगा कि हमें कोई कैसे ठग सकता है, हम ही लोगों को ठग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, आप दिल के स्वभाव के ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको किसी का दुख देखा नहीं जाता। यदि कोई व्यक्ति इमोशनल होकर आपसे कोई मदद मांगता है तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास वह समय 10,000 भी रहेगा तो आप उसे व्यक्ति को दे देंगे, उसकी मदद कर देंगे। आप अपने जीवन में दूसरे के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा करते हैं। यही आप सभी की सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, सामने वाला व्यक्ति आपके साथ रहकर यह पता कर लेता है कि आपकी कमजोरी क्या है और उसी का भाव फायदा उठाता है और आपको पता भी नहीं चलता। वह ऐसी ऐसी बातें करता है जिससे आप उसके बातों को काटते नहीं हैं। चिकनी चुपड़ी बातों में आपको वह फंसा लेते हैं और आगे चलकर आप देखते हैं कि इसके लिए आपने अपना दिन और रात नहीं देखा। जब भी जरूरत पड़ा तब आप तैयार हो गए, और जब आपको किसी का जरूरत पड़ा तो कोई भी आपके साथ देने के लिए आगे नहीं आया। दोस्तों, ऐसा घटना क्या आप सभी के जीवन में नहीं हुआ है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे पता है आप बोलेंगे, हाँ हुआ है मेरे साथ, जिसके भी ऊपर अपने आंख बंद करके भरोसा किया है। एक समय था जब आप किसी अपने के साथ कंधे पर कंधे मिलाकर चलते थे। आज वह इंसान आप सभी के साथ नहीं होगा, क्योंकि वह इंसान आपके जीवन से जा चुका है, क्योंकि उन्होंने आपसे जितना पाया उतना लिया, और जब सच्चाई पता चल गया तो वह इंसान आपके जीवन से चला गया। यही होता है दोस्त। बस अब आपको ऐसा कार्य दोबारा नहीं करना है। अपने भोलेपन का किसी गैरों को फायदा बिल्कुल भी नहीं उठाने देना। इससे आपका भाग्य ही नहीं बल्कि आपके कर एम के रास्ते में भी बड़े बड़े मुसीबत आते हैं। वह कहते हैं, दोस्तों, भगवान यदि देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और यदि लेते हैं तो घर द्वार को उजाड़ देते, घर परिवार को तोड़ देते हैं। जी हां दोस्तों, और अब आपको भगवान देने वाले तो आपको कोई भी गलती नहीं करना है, और इन बातों का आपको ध्यान अपने जीवन में अवश्य ही रखना है दोस्तों। और दूसरा जो गलती है, आप सुबह की जीवन में बिन बुलाए मेहमान कभी भी मत बना। किसी ऐसी जगह पर मत जाना जहां पर लोग आपको नहीं बुला रहे हैं, या फिर कई ऐसे जगह है जहां पर लोग बुला भी रहे हैं तो आपको नहीं जाना है। जैसे कि कोई व्यक्ति चोरी करके, ठगी करके पैसे कमाए हैं और उसे पैसे से वह अपने जीवन में कोई कार्य, कोई प्रोग्राम किए हैं, तो ऐसे पार्टी में आपको शामिल नहीं होना है। दोस्तों, आपको अपने जीवन में इतना ज्ञान होना चाहिए कि जो लोग बुरा कर रहे हैं उनके साथ बुरा होगा, उसका कर्म भी बुरा हो रहा होगा। यदि आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे, बुरे कर्म वाले व्यक्ति के साथ रहेंगे, तो आप सभी के जीवन में कोई भी कार्य सफल नहीं होने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके आप इन लोगों का साथ छोड़ेंगे। दोस्तों, भगवान आपसे इतना उम्मीद जरूर करते हैं, क्योंकि भगवान आपके लिए जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तो आप भी उन्हें सभी बातों का ध्यान रखें। और दोस्तों, अगले 3 दिनों में खासकर माता लक्ष्मी और भगवान शनि देव, जो न्याय के देवता हैं, वह आपके ऊपर मेहरबान है, तो आपको बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करना है। दोस्तों, अगले 3 दिन में आप सभी का किस्मत चमकने वाला है, आप सभी के भाग्य का रफ्तार बढ़ाने वाला है। माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव आप सभी के जीवन में अद्भुत चमत्कार करने वाले हैं। ऐसा चमत्कार आप सभी के जीवन में पहली बार होगा, जहां लोग कहेंगे वह क्या किस्मत है, किस्मत हो तो आपके जैसा। जी हां दोस्तों, आप हर जगह पर सफलता की झंडा गाड़ेंगे और सभी लोगों को दिखाएंगे कि आपके जैसा कोई भी नहीं है। जी हां दोस्तों, और सभी दुश्मन आपके सामने घुटने भी टेक देंगे, क्योंकि आपने जो अच्छी कम किया है उसका फल मिलने का समय है। जी हां दोस्तों, लेकिन जब भी भगवान आप सभी के जीवन में शुभ और भाग्यशाली मौके देते हैं, तब तक आप सभी के जीवन में कोई ना कोई दुर्घटना आवश्यक होता है। यह चीज आप देखे होंगे। इसलिए दोस्तों, ग्रह गोचर के साथ जो परिवर्तन होगा उसके साथ आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। और इसलिए दोस्तों, वीडियो को आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। अगले 3 दिनों के अंदर आप सुबह के लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, बिजनेस, व्यापार, सभी क्षेत्रों में आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी और कौन कौन से छोटे मोटे बातों का आपको ध्यान रखना है, सावधानी को बरतनी है, ताकि आपकी जीवन में कोई भी मुसीबत, को भी परेशानी ना आए। और माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव जो खुशखबरी आप सभी को देना चाहते हैं, वह सीधी जाकर आपकी झोली में गिर जाए।
इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताने वाले हैं जिन्हें आप करेंगे तो आपको इनमें एक रुपया भी नहीं लगेगा, लेकिन दोस्तों इसका जो असर है आप सुबह के जीवन को बिल्कुल ही चमत्कारिक रूप से शक्तिशाली बना देगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना, यह उपाय आपके जीवन को बदलने वाला साबित होगा। दोस्तों इतने बड़े शुभ ग्रह गोचर बने हैं, इनका प्रभाव तो आप सभी के ऊपर क्या होगा, आप सभी का राशिफल कैसा रहेगा, चलिए सभी के बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों ग्रह गोचर के अनुसार जो संकेत मिल रहे हैं, आप सभी के कार्य क्षेत्र में आपको लाभ के चार बड़े पैमाने मिलने वाले। पहले आपके बॉस से प्रमोशन हो सकता है। यदि आपको नौकरी नहीं मिला है तो आपको नई नौकरी की तलाश खत्म होने वाली है, या फिर जो लोग बहुत दिनों से एक ही पद पर थे उसका पद प्रमोशन हो सकता है। चौथा, जो लोग अपने जीवन में नया बिजनेस व्यापार शुरू करने की सोच रहे थे तो यह समय आपको आकस्मिक धन लाभ होगा जिससे आप एक नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। आपको आज खुद का ही चिंतन करना है। आपके जीवन में इस समय सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी आपको एक प्रकार की बेचैनी महसूस हो रही है जिसे आप व्यक्त नहीं कर पा रहे। इसका एकमात्र समाधान यह है कि आप खुद के बारे में शांत दिमाग से सोचें, जिससे आपको अपनी स्थितियों को बेहतर तरीके से देखने में मदद मिलेगी और आप सही समाधान खोज पाएंगे। आपको आज गिरकर छोटी मोटी चोट लग सकती है या आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। छोटी मोटी दुर्घटना की भी आशंका है, आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। इसके अतिरिक्त दिन में कुछ विशेष नहीं होगा, आप किसी से स्वास्थ्य केंद्र में मिलने जा सकते हैं। यह समय अपनी जीवन शैली में कुछ ऐसे बदलाव करने के लिए बिल्कुल ठीक है जिनकी आपको लंबे समय से जरूरत है। आप आज किसी ऐसे से मिल सकते हैं जो इतना परफेक्ट है कि यकीन ही ना हो, लेकिन अपनी किस्मत पर भरोसा रखें, आप सही आदमी से मिले हैं। नमस्ते, यहां तक कि अगर आपका दिमाग कहे कि ऐसा नहीं हो सकता तो भी आज आप अपने दिल की सुन और मान सकते हैं। इस बार रोमांटिक लाइफ वैसी ही होगी जैसी आप चाहते हैं। एक सार्थक रिश्ता बनाने के इस मौके को हाथ से न जाने दें। एक परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में आने का संकेत दे रहा है। आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं या अपने कार्यालय में एक से दूसरे विभाग में आपका स्थानांतरण हो सकता है। यह ऐसी स्थिति होगी जिसको आप पसंद करेंगे और इन संभावनाओं का आप लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे, इसलिए आपको इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने की जरूरत है ताकि आपका करियर उचित दिशा में चलता रहे। आपकी मन की आवाज अब सक्रिय है और हर काम में आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेगी। आप मजे मजे में भी आसानी से जोखिम उठा पाने की स्थिति में हैं। भाग्य आपके साथ है, फिर भी आपको कोई भी कदम उठाने से पहले दो बार सोच लेना चाहिए। आप भावनाओं की बाढ़ को अनुभव करेंगे। पुराने दोस्तों या परिचित के सामने आने से खुशी होगी। आप चीजों को धीरज और तसल्ली से पूरा करते हैं, लेकिन आप खुद में ऊर्जा का अचानक प्रवाह दिखाने से भी नहीं हिचकते। इससे आसपास सभी को अचरज ही होगा। ये आपकी त्वचा की भी यही प्रवृत्ति है। आए एक समय तो यह बिल्कुल शीशे सी साफ होती है और जल्दी ही फिर कील मुहासों से भी भर जाती है। एहर रोज खूब सारा पानी पिए। आई निजी जीवन में पार्टनरशिप में काम करने की योग्यता आपको अपने प्रोफेशनल जीवन में भी बहुत काम आने वाली है। आप और आपके पार्टनर मिलजुल कर जो भी काम करेंगे, चाहे वह प्यार हो या बिजनेस, आपको खूब सफलता मिलेगी। आप दोनों को एक दूसरे की खूबियों और कमियों की बहुत अच्छी समझ है और आपकी आपस में खूब बनती है। देखिए दोस्तों, भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में अब बड़ा बदलाव आने वाला है। जो ग्रह गोचर बना है उसने आपकी किस्मत की दिशा को पूरी तरह बदल दिया है। अब आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। माता लक्ष्मी और शनिदेव के आशीर्वाद से अगले तीन दिनों में आपको एक ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। ये खुशखबरी 10 लाख की है जिससे आपको घर घर जाकर मिठाई बांटनी पड़ेगी। ये समृद्धि अचानक आपके जीवन में दस्तक देगी और यह भगवान शनि और माता लक्ष्मी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह 10 लाख कहां से आएंगे, तो दोस्तों भगवान ने आपके कर्म और आपकी मेहनत का फल देने का समय तय कर दिया है। यह राशि आपको किसी व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ, किसी पुराने निवेश से बड़ी प्राप्ति
या किसी पूर्व संपत्ति के लाभ के रूप में मिल सकती है। माता लक्ष्मी और शनिदेव का आशीर्वाद इस बात का संकेत है कि जो भी आपकी मेहनत थी वह अब रंग लाने वाली है। अगर आप अपनी संपत्ति बेचने के बारे में सोच रहे थे तो अब वह सही समय है, क्योंकि आपको उससे अच्छा मुनाफा होने वाला है। देखिए दोस्तों, भगवान शनिदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलता है उसे कभी कष्ट नहीं होता। इसी तरह माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी उन्हीं पर बरसता है जो अपने जीवन में विनम्रता और सच्चाई से चलते हैं। अब आपके जीवन में भी यही समय है जब आपका परिश्रम और धैर्य फल देने वाला है। अगले 3 दिन आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन दिनों में आपका भाग्य एक नई दिशा में जाएगा। जिन लोगों के साथ आपका पुराना विवाद चल रहा था या जिन चीजों में आपको हमेशा अड़चने महसूस हो रही थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। भगवान शनि और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से वे सभी अड़चने दूर हो जाएंगी जो आपकी सफलता के रास्ते में बाधा बनी हुई थी। यह समय उन सभी परेशानियों से मुक्ति का है जो आपको अब तक जकड़े हुए थी। देखिए दोस्तों, भगवान कहते हैं कि जब सही समय आता है तो किस्मत का पहिया भी घूमता है, और अब वह समय आ गया है। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में आपकी कुंडली की दिशा पूरी तरह से बदल चुकी है। भगवान शनि और माता लक्ष्मी दोनों ही इस समय आपके साथ खड़े हैं, इसलिए आपके हर कदम पर सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। भगवान शनिदेव यह भी कहते हैं कि जब उनके भक्त उनकी शरण में होते हैं तो उन्हें कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और ईमानदारी से काम करना है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद यह सुनिश्चित करेगा कि आपके घर में धन की कोई कमी नहीं होगी, और शनिदेव यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी मेहनत कभी व्यर्थ न जाए। अगर आप पिछले कुछ समय से आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे या काम में अड़चनें आ रही थीं, तो अब वह समय समाप्त हो गया है। आपकी किस्मत अब बदल चुकी है और आने वाले 3 दिनों में आपको उस बदलाव का अनुभव होगा। अगर आप व्यवसाय में हैं तो आपको बड़ी डील्स मिलने वाली हैं जो आपकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना देंगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन या सैलरी में वृद्धि की संभावना बन रही है। यह सब माता लक्ष्मी और शनिदेव के आशीर्वाद का परिणाम है। अब आपको केवल इतना करना है कि अपने मन को शांत रखें और धैर्य के साथ अपने काम को जारी रखें। भगवान शनि और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह बना रहेगा। इसलिए दोस्तों, अगले 3 दिनों में जब आपको 10 लाख की राशि की खुशखबरी मिलेगी तो इसे ईश्वर की कृपा समझें और घर घर जाकर मिठाई बांटें। यह समय आपकी मेहनत और समर्पण का प्रतिफल है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके प्रति समर्पित होता है उसे कभी विफलता का सामना नहीं करना पड़ता। माता लक्ष्मी और शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ है, इसलिए आप निश्चिंत होकर अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव जब जीवन में प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। इनकी कृपा से मनुष्य का जीवन उन्नति की ओर बढ़ता है और उसे अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन यह जरूरी है कि जब देवी देवता प्रसन्न हों तब उनकी कृपा को बनाए रखने के लिए कुछ विशेष कार्य और उपाय किए जाएं जो एकदम सरल हों और जिनमें किसी प्रकार का धन खर्च न हो। इन उपायों को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर माता लक्ष्मी और भगवान शनि की कृपा लंबे समय तक प्राप्त की जा सकती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि माता लक्ष्मी और शनि देव दोनों ही ऐसे देवता हैं जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए न केवल भक्ति आवश्यक है बल्कि जीवन में सच्चाई, अनुशासन और परोपकार के कार्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए बिना किसी खर्च के भी आप इनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने घर और मन को स्वच्छ रखना अनिवार्य है। जिस घर में स्वच्छता होती है वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि घर के मुख्य द्वार पर नियमित रूप से सफाई की जाए और वहां पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए। यह एक छोटा सा कदम
माता लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करने में मदद करता है। घर का मुख्य द्वार जितना साफ और सुंदर होगा, उतना ही धन और समृद्धि का प्रवाह आपके जीवन में बना रहेगा। इसके साथ ही भगवान शनिदेव की कृपा पाने के लिए गरीब और जरूरतमंदों की सेवा करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब आप किसी को भोजन देते हैं या उसकी सहायता करते हैं, तो शनिदेव की कृपा से आपके सभी संकट दूर होते हैं। आप बिना किसी खर्च के जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, जैसे कि किसी गरीब को पानी पिलाना या उसे आश्रय देना। अगर आप नियमित रूप से किसी भूखे व्यक्ति को अपने घर के बाहर पानी या भोजन का प्रबंध कर देते हैं, तो यह भी एक बड़ा पुण्य है जो शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है। शनिदेव हमेशा उन लोगों पर कृपा करते हैं जो दूसरों की सेवा में तत्पर रहते हैं। माता लक्ष्मी और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए एक और सरल उपाय यह है कि रोज सुबह स्नान करने के बाद भगवान के समक्ष ध्यान करें और उनसे अपने दिन की शुरुआत के लिए आशीर्वाद मांगें। यह ध्यान केवल कुछ मिनटों का होना चाहिए, जिसमें आप अपने मन को एकाग्र करके देवी लक्ष्मी और भगवान शनि से जीवन में समृद्धि और संकटों से मुक्ति की प्रार्थना करें। प्रार्थना में आप यह भी कह सकते हैं कि हे माता लक्ष्मी, कृपया मेरे जीवन में अपनी कृपा बनाए रखें और मेरे घर में धन और शांति का वास हो। हे भगवान शनि, मेरे सभी कष्टों को दूर करें और मुझे जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाएं। यह ध्यान और प्रार्थना न केवल आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा, बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। इसके अतिरिक्त माता लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि आप हर पूर्णिमा को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। दीपक जलाने के लिए कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। आप एक साधारण दीपक जलाकर इसे मुख्य द्वार पर रखें और उसमें एक बाती डालकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें। इससे आपके जीवन में धन का अभाव कभी नहीं रहेगा और शनिदेव की भी कृपा बनी रहेगी। यह छोटा सा कार्य बिना किसी खर्च के आप नियमित रूप से कर सकते हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपका जीवन खुशहाल रहेगा। अंत में देखिए दोस्तों, एक और सरल उपाय जो माता लक्ष्मी और शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावी है, वह है विनम्रता और सादगी से जीवन जीना। माता लक्ष्मी और शनिदेव दोनों ही उन लोगों पर प्रसन्न होते हैं जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं और अपने जीवन में विनम्र रहते हैं। अगर आप किसी से भी बात करते हैं, तो आपका व्यवहार सौम्य और नम्र होना चाहिए। हर किसी से प्रेम और आदर से पेश आना ही देवी देवताओं की कृपा को बनाए रखने का सबसे बड़ा उपाय है। आप चाहे कितने भी संपन्न क्यों न हो जाएं, अपने स्वभाव में कभी अहंकार न लाएं, क्योंकि अहंकार माता लक्ष्मी को अप्रसन्न कर सकता है और शनिदेव का क्रोध भी भड़क सकता है। इसलिए देखिए दोस्तों, जीवन में माता लक्ष्मी और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए सरलता और सादगी का मार्ग अपनाना सबसे बड़ा उपाय है।